ट्वेल्थ में है और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनको दिक्कत क्या हो रहा है कि प्रोग्रामिंग का वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। प्रोग्रामिंग कहने का मतलब कि अगर आप जैक में हो 11 12 तो आपका C++ होगा, और C++ में जो है कोडिंग करना पड़ता है, तो आपको पता होगा कि वो आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप तो चाहिए, राइट? तो जिनके पास फ़ोन है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप चीज़ों को अच्छे से सीख नहीं पाओगे, है ना? और जो लोग पाइथन है जिनका, CBSE वालों का, उनका भी सेम कहानी है, राइट? तो CBSE वाला का पाइथन और जैक वाला का C++, उनका प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो आप फ़ोन पे भी कर सकते हो। तो अगर आप जा करके सर्च करोगे प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जहाँ पे आप ऑनलाइन कोड लिख सकते हो, मतलब ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन मोड में कोड लिख सकते हो। और अगर आप चाहो तो बिना इंस्टॉल किए भी गूगल में जाकर आप सर्च करोगे ऑनलाइन C++ कंपाइलर या पाइथन का भी प्ले ग्राउंड तो मिल जाएगा बहुत सारे, जहाँ पे आप कोड लिख सकते हो इस तरीके से। लेकिन दिक्कत क्या है फ़ोन में ना, कि यहाँ पे टाइपिंग करना बहुत दिक्कत वाली बात है, राइट? क्योंकि उसमें कर्ली ब्रैकेट वगैरह होते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लोगे तो दिक्कत होगा यहाँ पे टाइपिंग करने में। इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है ना कि आप 200 से 250 के बीच का एक कीबोर्ड आता है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो 500 1000 का भी खरीद सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो मिनिमम आपको 200 250 में मिल जाएगा, तो एक कीबोर्ड आप खरीद लो। एक OTG आता है इस तरीके से, सी टाइप का अगर फ़ोन है तो आप सी टाइप का OTG लेना, और 50 रुपया 30 रुपया जैसा आप खरीदोगे उस तरीके से इसका अलग अलग प्राइस का अलग अलग क्वालिटी का आता है, तो आप ले लेना इसको, ठीक है? 30 50 ये जैसे है ये 50 रुपये के आसपास में कहीं भी मिल जाएगा, तो ये आप खरीद लेना। और कीबोर्ड से आप कोड को लिखने का कोशिश करो, इससे दो फायदा होगा, एक तो आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, दूसरा आपका टाइपिंग स्पीड भी अच्छा होगा, ठीक है? तो प्रैक्टिकली आप स्ट्रांग हो जाओगे अगर आप C++ पाइथन वगैरह सीख रहे हो और आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो, ठीक है ना? तो बेकार में आपको अभी तुरंत से जाकर के खरीदने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो सीधा से इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा दो। और एक चाहो तो अगर आप टेबल में अगर ये कर रहे हो तो आप ये भी खरीद सकते हो, ये 20 रुपये के आसपास का आता है, ठीक है? और इसमें क्या है ना कि फ़ोन को आप इस तरीके से रख सकते हो, बट मैं अभी बोलूँगा कि अगर आप जमीन में बैठे कर रहे हो तो ये तो सबसे बेस्ट होगा, है ना? कोई भी एंगल में आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि ये टेबल के लिए सही है, अगर इतना हाइट में रहता है तो आपके आँख के पैरेलल रहेगा, ठीक है? तो क्योंकि ये लगाओगे ना जब आप इस तरीके से, तो ये सीधा सीधा आ जाता है, परपेंडिकुलर टाइप का, है ना? तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो आप जमीन में अगर बैठे हुए हो तो आप इस तरीके से करो, अगर टेबल में है तब आपके लिए सही है ये, है ना? 20 रुपये के आसपास का आता है, आप इसको देख लेना, राइट? उसके बाद इसको आप यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दो, है ना? तो जैसे आप कनेक्ट करोगे ना तो इसका जो कीबोर्ड होगा वो डिजेबल हो जाएगा इस तरीके से, राइट? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे भी कोड लिख के दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको हटा पा रहा हूँ, तो यहाँ पे सारी चीज़ें होते हैं ना, तो आप इस तरीके से इसको हटा दिए, सारा कुछ आप यहाँ पे कर पाओगे। तो मैं जैसे यहाँ पे टाइप करता हूँ यूजरनेम स्पेस STD, ठीक है, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट, और इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा हेलो सत्या, तो ये हेलो सत्या प्रिंट कर देगा, राइट? तो इस तरीके से कोड लिखने के बाद आपको रन करना है, यहाँ पे रन पे क्लिक कर दो, तो इसका आउटपुट करना है, यहाँ पे रन पे क्लिक कर दो, तो इसका आउटपुट आपको यहाँ पे आउटपुट वाले जो बगल वाले ऐप है वहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे आपको कोड लिखना है CPP पे, और जैसे आप यहाँ पे रन करोगे, ठीक है ना, ये यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है, सी आउट हेलो सत्या, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हेलो सत्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप चेक कर पाओगे, आप बड़े बड़े कोड को भी ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से पूरा का पूरा, इससे बहुत फ़ायदा है कि टाइपिंग भी आपका ठीक ठाक होगा। यहाँ पे ना सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ टाइप कर लो, देखो इस तरीके से पूरा पूरा टाइपिंग होता ही है ना, कर्ली ब्रेसेस वगैरह भी, स्लैश है, इस तरीके से जितने भी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे जो दिक्कत हो रहा था यहाँ पे ये नहीं होगा, मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आपका टाइपिंग स्पीड भी अच्छा होगा और आपको डिस्प्ले भी मिल रहा है, तो आप अच्छे से सारी चीज़ें कर सकते हो, राइट? तो आप ये खरीद लो, 300 400 रुपये खर्चा होगा और आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे, चीज़ों को अच्छे से सीख पाओगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप हो तभी आप कोडिंग सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। चीज़ों के अभाव में आपको सीखना रुकना नहीं चाहिए, आप चीज़ों का ऑप्शन ढूंढने का कोशिश करो इस तरीके से, ठीक है? और सीखते रहो, चलो ठीक है, थैंक यू।